एक बड़ी खबर आ रही है, बीएसपी सांसद की बहू की मौत के मामले में सांसद के बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने सांसद समेत 5 लोगों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज किया है। हिमांशि के पति सागर, सांसद नरेंद्र कश्यप, उनकी पत्नी, छोटे बेटे सिद्धार्थ और 2 ननद पर ये केस दर्ज किया गया है। बीएसपी सांसद नरेंद्र कश्यप की बहू हिमांशि का शव कवि नगर में बाथरूम से मिला था और उनके सिर पर गोली लगी थी। हिमांशि के परिवार ने दहेज हत्या का आरोप लगाया है। तो आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, कुछ देर पहले तक बेटे को हिरासत में लिया गया था, लेकिन अब यह खबर आ रही है कि इसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। हिमांशि के परिवार का आरोप है कि दहेज उत्पीड़न किया जा रहा था पिछले 2.5 साल से, जब से उसकी शादी हुई थी, और अब जबकि उसका शव मिला बाथरूम में और उसके सिर पर गोली लगी हुई थी, तो ये माना जा रहा है परिवार की तरफ से कि उसकी हत्या की गई है। हमारे संवाददाता शिवांग माथुर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शिवांग, क्या क्या धाराएं लगाई गई हैं इनके पति पर? देखिए, तो आपको लगातार दिखा रहे हैं हिमांशि और उनके पति की शादी की तस्वीरें, और हिमांशि के परिवार का आरोप है कि हिमांशि की हत्या हुई है और उसके ससुराल वालों ने ही उसकी हत्या की है, ऐसा कहना है, क्योंकि 2.5 साल हो चुके थे इनकी शादी को और परिवार का ये आरोप है कि लगातार उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था। साथ ही हम आपको बता दें कि जो हिमांशि का पति है वो एक सांसद का बेटा है और सांसद के बेटे को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। कुछ देर पहले तक हिरासत में लिया गया था, पूछताछ जारी थी और अब उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। शिवांग, हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या क्या धाराएं लगाई गई हैं इन पर। उत्पीड़न का मामला, साक्षी जिसके तहत हत्या की जाती है, जिस मामले के तहत पूरा मामला दर्ज किया गया था, और अब सागर जो था, लड़की का पति जो था, उसको अरेस्ट कर लिया गया है। मैं आपको बता दूं कि अगर आज शाम तक जो सास और ससुर है वो अगर आईसीयू से उनको डिस्चार्ज कर दिया जाता है तो पुलिस उनको भी गिरफ्तार कर लेगी, लेकिन पति जो है वो अरेस्ट हो गया है जी। और क्या इसके अलावा और भी कुछ गिरफ्तारियां हो सकती हैं, क्योंकि परिवार के और भी लोगों पर आरोप है और उन पर भी आरोप लगाया गया है परिवार की तरफ से? देखिए, जो सबसे बड़ा मामला बनता है वो सास ससुर और पति पे बनता है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि न केवल सास ससुर और पति बल्कि जो उनके पति का छोटा भाई है सिद्धार्थ, उसके ऊपर भी मामला दर्ज है। साथ साथ जो 2 नंदे हैं उनके ऊपर भी मामला दर्ज है। तो एक तरीके से पूरे परिवार के ऊपर ही ये पूरा मामला जो है दर्ज किया गया है, और अब जैसे जैसे पुलिस इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी, तमाम लोगों से पूछताछ लगातार थाने में चल रही है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी थोड़ी बहुत देर में सामने आ जाएगी। हमारी बात हुई सीसीटीवी से, उन्होंने हमको बताया कि जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आएगी, कुछ और फैक्ट एंड फिगर्स निकल के सामने आएंगे कि क्या लड़की की पिटाई की गई थी, क्योंकि लड़की के जो पिता थे उन्होंने परिवार वालों से आरोप लगाया था कि उसके चेहरे पे कुछ मारपीट के निशान भी मिले हैं। तो ऐसे में जो ये स्थिति बनी हुई है कि ये सुसाइड है या फिर मर्डर है या फिर उसको सुसाइड करने के लिए उकसाया गया, इन तमाम पहलुओं पे अभी एक संदेह बना हुआ है। ये स्थिति थोड़ी ही देर में क्लियर हो जाएगी। बिल्कुल शिवांग, आभा नजर बना रखें, और इस खबर से जुड़ी तमाम जानकारियां लगातार हमारे तक पहुंच रही हैं और हम इस बड़ी खबर पर आगे भी बने रहेंगे, लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।